हेलो डियर्स, नमस्कार। आज हम लोग नाउन के संज्ञा कारक के चौथा भाग, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का पूरक, इसके विषय पर जानकारी लेंगे। तो आइए, ये क्या कह रहा है कि वह नाउन क्रिया का कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, मतलब संज्ञा, वह संज्ञा क्रिया का कॉम्प्लीमेंट है जो क्रिया के अर्थ को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। अर्थात कॉम्प्लीमेंट्स प्रायः इज एम आर वाज वर अपीयर बिकम चूज ग्रो लुक मेक सीम टेस्ट आदि एटसेट्रा क्रियाओं के बाद प्रयुक्त होते हैं, इन सब के बाद प्रयुक्त होता है तो कॉम्प्लीमेंट होता है क्रिया का। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमने चार एग्जाम्पल लिया है ए बी सी डी। ए में है शी वाज ए क्वीन, वह रानी थी। यू आर ए डॉक्टर, आप डॉक्टर हो, चिकित्सक हो। मोहन सिम्स हैप्पी, मोहन खुश दिखता है, प्रसन्न दिखता है, अच्छा दिखता है। ही बिकेम ए लीडर, वह एक नेता बन गया। अब इसकी हम एनालिसिस विश्लेषण करते हैं, चारों वाक्य में क्या है कॉम्प्लीमेंट ये देखते हैं। ऊपर के वाक्यों में यदि ए क्वीन, ए डॉक्टर, हैप्पी, ए लीडर को हटा दिया जाए तो कथा वाक्यों में बचे हुए भागों का अर्थ अधूरा रह जाएगा। सही बात है, एक क्वीन यहां से हटा दीजिए, डॉक्टर हटा दीजिए, और ये हैप्पी हटा दीजिए, लीडर हटा दीजिए, तो अर्थ पूरा नहीं मिलेगा वाक्य का, यही कहता अधूरा रह जाएगा। अतः क्योंकि एक क्वीन, ए डॉक्टर, हैप्पी तथा ए लीडर वाक्यों का अर्थ पूरा करते हैं, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान दीजिए, अब यही वर्ड संज्ञा का कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग हुए हैं। कुछ सकर्मक क्रियाओं ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद भी कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है, जैसे वी इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। देखिए, वी इलेक्टेड हिम थर्ड पर्सन, उसे हम सचिव बनाए, चुने, इलेक्ट करना। इस वाक्य में सेक्रेटरी कॉम्प्लीमेंट है। कुछ और उदाहरण देखें। ए, आई कंसीडर हिम ऑनेस्ट। ध्यान दीजिए, आई कंसीडर हिम मतलब मेरे विचार से वो ईमानदार है। बी, राम कॉल्ड हिज कजन ए लायर, झूठा। राम ने अपने चचेरे भाई बहन, कजिन का मतलब होता है चचेरे भाई बहन, को झूठा कहा। दिस मेड मी नर्वस, इसने मुझे परेशान कर दिया। वी इलेक्टेड हिम मॉनिटर, हम लोगों ने उसे मॉनिटर बनाया, कक्षा का मॉनिटर, मुखिया। अब इन वाक्यों में देखिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इलेक्टेड, कॉल्ड, कंसीडर, मेड और इलेक्टेड, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखिए, उपरोक्त वाक्यों में कंसीडर, कॉल्ड, मेड, इलेक्टेड सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जिनके ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स देख लीजिए, कंसीडर हिम, कॉल्ड हिज, मेड मी, इलेक्टेड हिम, इनके ऑब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो वो कर रहा है कि हैं जिनके ऑब्जेक्ट क्रमशः हिम, हिज कजिन, मी, वह हिम है। इन सकर्मक क्रियाओं के ऑब्जेक्ट
कर्म होने पर भी वाक्यों का अर्थ पूर्ण नहीं होता और वाक्यों के भाव को पूरा करने के लिए अन्य शब्दों को जैसे जैसे देखिए ऑनेस्ट, लायर, नर्वस तथा मॉनिटर की आवश्यकता पड़ी। अतः ऑनेस्ट, लायर, नर्वस तथा मॉनिटर का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट की तरह हुआ तथा ये शब्द अपने पहले प्रयुक्त हुए ऑब्जेक्ट कर्म के भाव को पूर्ण करते हैं, अतः इन्हें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को भी यहां क्लियर कर दिया कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो चूंकि सब्जेक्ट से मतलब यह है कि सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट को कोई पद पर लेके आया, कुछ बनाया, कुछ कहा, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुए। सब्जेक्ट को नहीं बताया कि सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को बताया कि ये लीडर बनाया गया, ये प्रेसिडेंट बनाया हम लोगों ने इनको, जैसे वी इलेक्टेड हिम मॉनिटर, मतलब हम लोगों ने उसे मॉनिटर बनाया, हम नहीं बने, हमने उसको बनाया। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। कुछ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के उदाहरण देखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब्दुल बिकेम ए सोल्जर। सोल्जर कौन बना? तो अब्दुल बना, यानी सोल्जर का संबंध अब्दुल से है और अब्दुल क्या है? सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से हो जाए तो समझ लीजिए वहां सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। सेकेंड वाक्य देखिए, जीवन बिकम ए चेयरमैन। और देखिए चेयरमैन कौन बना? जीवन बना। जीवन क्या है सेंटेंस में? सब्जेक्ट है, इसको कहेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तीसरा एक उदाहरण देखिए आप, राजू बिकेम प्रिंसिपल। लीजिए प्रिंसिपल कौन है? राजू है। तो सब्जेक्ट ही प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल ही सब्जेक्ट यानी राजू है, तो इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब वही चीज देख लीजिए उपरोक्त वाक्यों में, आपको यही चीज जो मैंने आपको बताया है, जो वाक्यों के सब्जेक्ट अब्दुल, जीवन तथा राजू का वर्णन करते हैं, इन्हें सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि सेंटेंस में आप सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और पीछे वीडियो में कुछ हमने वर्ब कॉम्प्लीमेंट का भी एग्जाम्पल दिया था, तो इस तरह से ये आपका चौथा कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब क्लियर किया गया और आशा है कि कुछ न कुछ आप सीख रहे होंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।